हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका। मैं को-फाउंडर हूँ डाइट टू नरिश की और मैं चीफ डाइटिशियन। पिछले जितने भी सालों का एक्सपीरियंस है वेट लॉस को लेके, उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ लेके आई हूँ, जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी और सुबह सुबह की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको है वो आपकी पूरी करेगी। तो सुबह के नाश्ते की क्या अहमियत है, पहले ये समझ लीजिए। जब इंसान सो के उठता है तो उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि शारीरिक ऊर्जा पूरी तीव्र गति पर होती है, और उस तीव्र गति की ऊर्जा के लिए उसे फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी कि खाने की ज़रूरत होती है। जब हम इस खाने की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जो कि वेट लॉस के लिए हमें हेल्प नहीं कर पाती। तो नाश्ता करना इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पर नाश्ता करना। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपका नाश्ता पूरी तरह से ताकत दे, तो आपको सबसे पहला रूल अपनाना है कि आपको टाइम पर खाना है, यानी कि उठने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आपको वज़न कम करने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात आती है कि वो नाश्ते की रेसिपीज़ क्या हैं, वो नाश्ते के कॉम्बिनेशन क्या हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में खा सकते हैं। नाश्ते में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। दूसरा प्रोटीन, ये दोनों ही हमारे शरीर की तीव्र ऊर्जा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो हमें ऐसा नाश्ता खाना है जिसमें दोनों तरीके के कॉम्बिनेशंस पूरी तरह से मिल जाएं। ज़्यादातर खाने की चीज़ें जो भी होती हैं नाश्ते में, उनमें अगर तला हुआ खाया जाता है तो आपके शरीर को सुस्त और इनएक्टिव बना देता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही आज मैं ये रेसिपीज़ देकर आई हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ को जिनके बारे में जानना जो सुबह नाश्ते में आपको वज़न कम करने में हेल्प करेगी। सो पहली सबसे अच्छी रेसिपी है चीला। चीला चाहे आप किसी भी चीज़ का बना लें, बेसन का, सूजी का, मूंग की दाल का, ओट्स का, ये चीला आपको सुबह सुबह ताकत देता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल गया। कई लोग मानते हैं कि चीला तला हुआ होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए, पर अगर आप सही तरीके से चीला बनाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। बहुत कम तेल में अगर आपने सुबह अपने नाश्ते में चीला बनाया है तो वो आपको ताकत देता है। इसका भरपूर करने के लिए आप थोड़ी बहुत सब्जियां उसमें ऐड कर सकते हैं। जब नाश्ते में सब्जियां ऐड हो जाएंगी तो आपका वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी। इस चीले के साथ अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है या तो दूध, दही या छाछ। कृपया करके चाय का इस्तेमाल ना करें। जब आप नाश्ते के साथ चाय पीते हैं तो आपका नाश्ता पूरी तरह से पच नहीं पाता और वो पूरी तरह से आपके शरीर को ताकत नहीं दे पाता। तो नाश्ते की किसी भी चीज़ के साथ आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 2। अब नाश्ते की बात है तो सुबह सुबह जब नाश्ता कर रहे हैं तो पोर्शन साइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग नाश्ता बहुत हैवी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिन में 2 बार खाया जाए, एक बार नाश्ता और एक बार रात का डिनर, और लंच स्किप करना होता है इसलिए नाश्ता भारी करते हैं। लेकिन ये गलत है, आपका नाश्ता भी लाइट ही होना चाहिए। इसीलिए आप अपना पोषण कंट्रोल करके 1 या 2 चीले ले, उससे आपका नाश्ता पूरा हो जाएगा। साथ में आपने दही, छाछ या दूध का इस्तेमाल किया। दूसरा बहुत अच्छा नाश्ता है स्प्राउट्स। उबला हुआ चना, उबला हुआ मूंग की दाल, पहले आप उनको अंकुरित करके और फिर उबालकर चाट बनाकर खाएं सुबह नाश्ते में। ये आपको भरपूर ऊर्जा देगा, भरपूर ताकत देगा। ये आपको प्रोटीन लेना है तो आपके लिए स्प्राउट्स का नाश्ता, उबले हुए चने का और मूंग की दाल का नाश्ता सबसे अच्छा है। इसके साथ भी आप दूध, दही या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी चना, मूंग की दाल, ये आप सुबह सुबह नाश्ते में एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं।
तीसरा सबसे अच्छा नाश्ता है आपका दलिया। दलिया आपके शरीर को ताकत भी देगा और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देगा। आप दलिये को मीठा या नमकीन किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो ये आपके तीन नाश्ते हो गए। बढ़ते हैं चौथे नाश्ते की तरफ। चौथा नाश्ता है साउथ इंडियन। जो साउथ इंडियन खाने होते हैं जैसे इडली, डोसा, उत्तपम, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हल्का होता है और इनकी वजह से आपके शरीर में वजन कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप सुबह के नाश्ते में इडली, डोसा या उत्तपम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी तरीके की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग नारियल की चटनी पसंद करते हैं, पर आप साथ में धनिया पुदीने की चटनी या मूंगफली की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है आपका पोहा यानी कि चिवड़ा। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला नाश्ता यही है और बहुत हल्का भी होता है। अगर आप चाहें तो इस पोहे के साथ आप कुछ सब्जियां भी मिक्स करके इसे बना सकते हैं। इससे आपका वजन कम करने में भी सहायता मिलेगी और आपका पेट भी जल्दी से भर जाएगा। तो ये थे कुछ नाश्ता जो कि सुबह आप अपने वजन को कम करने के हिसाब से खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताए। पहला ये कि आप अपना नाश्ता समय पर करें और दूसरा आपके नाश्ते में चाय या कॉफी का सेवन आप साथ में नाश्ते के ना करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।